नमस्कार, मैं हूं आपका राजपाल। साथियों, अभी तक आपने मुझे बड़े पर्दे पर अभिनय करते हुए देखा है, लेकिन इस बार मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आया हूं, जिसके लिए अंदर से मैं बहुत ही खुश हूं। दोस्तों, राजपाल यादव ने स्वयं को हिंदी सिनेमा में कॉमेडी कलाकार के रूप में स्थापित किया है। अब तक वह फिल्म में अपने विभिन्न विभिन्न किरदारों से दर्शकों को हंसाते नजर आए हैं। हालांकि राजपाल यादव कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कॉमेडी आर्टिस्ट कहलाना पसंद नहीं है। बहुत संभव है कि उनकी आने वाली फिल्म काम चालू है देखने के बाद दर्शक उन्हें केवल कॉमेडी अभिनेता बोलना बंद कर देंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप इस फिल्म का ट्रेलर देखकर समझ सकते हैं जो आज रिलीज हुआ है। फिल्म काम चालू है में राजपाल यादव गंभीर किरदार में नजर आ रहे हैं। वह एक ऐसे पिता की किरदार निभा रहे हैं जो अपनी प्यारी बेटी के मरद शरीर को अपने कंधों पर रखता है और फिर उसके इंसाफ के लिए लड़ता है। ट्रेलर में वह इस भूमिका के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म OTT पर रिलीज होगी। इसे 19 अप्रैल को G5 पर देखा जा सकता है। इस फिल्म में अदाकारा जिया मानके भी नजर आएंगी। राजपाल यादव और जिया मानके की जोड़ी पहली बार पर्दे पर बन रही है। फिल्म में जिया राजपाल की पत्नी का भूमिका निभा रही है। कुरंगी नागराज भी इस फिल्म का हिस्सा है, वह राजपाल यादव की बेटी के किरदार निभाती है। काम चालू का निर्माण बेस लाइन स्टूडियोज और पाल म्यूजिक एंड फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। फिल्म के निर्देशक की जिम्मेदारी लास मुछल ने उठाई है। फिल्म में राजपाल यादव मनोज पाटिल की भूमिका में नजर आएंगे। राजपाल यादव एक ऐसे पिता की किरदार निभा रहे हैं जो कि बहुत कम उम्र में बेटी को खो देता है। सड़क पर गड्ढे के कारण बेटी की जान चली जाती है। वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से लड़ते हैं और फिर स्वयं ही सड़क के गड्ढे भरने निकल पड़ते हैं। वैसे दोस्तों, आप सभी राजपाल यादव के इस ट्रेलर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।